दोस्तों, लोगों के पास में इंटरनेट क्या आ गया और थोड़ी सी नॉलेज क्या आ गई ऐप वगैरह बनाने की, तो वो कुछ भी ऐप बना के अपलोड कर देते हैं। दरअसल एक वेबसाइट है GitHub, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन अपलोड करी गई थी जो कि है बुल्ली बाई ऐप, लेकिन उसको बैन कर दिया गया है GitHub से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट आई थी कि इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लड़कियों की पिक्चर्स को अपलोड कर दिया जाता है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिए जाते हैं शायद, और कई सारी गलत चीज़ें उनके साथ में लिख दी जाती है। तो यहाँ पर एक 21 साल का बेंगलोर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट पकड़ा गया है इस पूरे के पूरे केस में, इस मामले में। लेकिन मेन अक्यूज़ ये नहीं है, उत्तराखंड की एक लड़की है जो मेन अक्यूज़ है। दरअसल यहाँ पर 3 अकाउंट थे टोटल जिससे ये सारे काम किए करते थे, और तीनों ही अकाउंट का एक्सेस ये दोनों ही कर पाते थे। तो यहाँ पर अब इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए लड़के को अरेस्ट कर लिया गया, मे बी लड़की भी बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएगी या फिर हो चुकी होगी जब तक ये बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस तरीके की घटिया एप्लीकेशन भी इंटरनेट पर फैली हुई है। दोस्तों, RBI ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे कि स्मॉल पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन की जा सकती है, वो भी बिना इंटरनेट के। मतलब आपको इंटरनेट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पैसे भी दे सकते हो सामने वालों को, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा। मतलब 200 रुपये आप पर ट्रांजेक्शन में भेज सकते हो। तो मतलब 3-व्हीलर वगैरह पर अगर आप जा रहे हो और किराया 200 तक है, तो आप वहीं पर पेमेंट दे सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट के। और ये मोबाइल से की जा सकती है या फिर अपने कार्ड से भी की जा सकती है। दोस्तों, कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है। बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता जैसे डेल्टा को लगता था। मतलब डेल्टा से भी कई गुना ये तेज़ वायरस है जो कि फैलता है। ये एक दिन में ही अमेरिका के अंदर 10 लाख केसेस ले आया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। मतलब एक दिन में इतने सारे केसेस का। फिलहाल के लिए इससे पहले 4 दिन पहले 5 लाख केस आए थे एक दिन के अंदर ही, और 4 दिन में ही ये डबल हो चुके हैं, जो कि 10 लाख पहुंच चुके हैं अमेरिका के अंदर, जबकि वहां पर 62% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। तो वहां पर ये हाल है, तो बाकी की कंट्रीज़ का देखो जहां पर ये फैल रहा है। तो फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर भी इसने पांव पसार दिया और हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, तो मतलब केसेस का मामला कुछ ऐसे चलता है कि 2700 3 दिन पहले आए थे, उसके बाद में कुछ 3100 हुए, उसके बाद में आज कुछ 4000 के पार हो गए। तो मतलब ये धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं मामले। और अगर इन सारी चीज़ों के अंदर एक बात और नोटिस की जाए कि भैया आधे लोग तो जाते ही नहीं जिनको हल्का फुल्का बुखार हो जाता है अपना टेस्ट करवाने, तो इस वजह से भी केसेस कम देखते हैं। और US के अंदर भी सेम हाल है, वहाँ पर होम टेस्ट किट भी मौजूद है, तो वहाँ पर लोग खुद ब खुद घर पे भी टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद में मतलब उनको मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो घर में ही पता लग जाता है उनको, और वो जात के बताते भी नहीं कि हमको हो रखा है। सो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। सो इस वजह से 10 लाख तो एक दिन के बताए जा रहे हैं, मे बी उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर एक जना थोड़ी जाता है टेस्ट करवाने। और यहाँ पर दोस्तों, एलोन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट आप देख ही रहे थे कि पिछले साल प्री ऑर्डर चल रहे थे इसके, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। तो यहाँ पर एलोन मस्क ने खुद अब इस बारे में कहा है कि भैया हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं है फिलहाल के लिए कंट्री में ऑपरेट करने का, लेकिन हम ये आने वाले वक्त में लाइसेंस ले लेंगे। तो जब तक लाइसेंस नहीं मिलता, अगर आपको अपना रिफंड वापस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका रिफंड मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों, इंडिया के अंदर मोटरोला अपना टैब G70 लेके आने वाला है, जिसके अंदर 7700 mAh की बैटरी होगी, 10.4 इंच का इसका डिस्प्ले होगा, 20 वॉट का रैपिड चार्जिंग, 2K रेजोल्यूशन होगा, MediaTek Helio G90T चिपसेट मौजूद है, 4GB रैम है, क्वाड स्पीकर है और एंड्रॉयड 11, और 16,000 से लेकर 18,500 तक का ये रहेगा। और इसकी मतलब खासियत यही रहती है कि इसमें ब्लोटवेयर होते नहीं है। दोस्तों, वैसे तो ब्लड टेस्ट से काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन की सिचुएशन किस तरीके की है, किस कंडीशन के अंदर है, और उससे फिर बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने खास तरीके का ब्लड टेस्ट भी निकाल दिया है, जिसके अंदर बंदे का डिप्रेशन लेवल भी पता लगाया जा सकता है कि ये बंदा डिप्रेशन के अंदर है या फिर नहीं, और डिप्रेशन के अंदर होगा तो उस तरीके की उसकी काउंसलिंग या फिर मेडिसिन वगैरह दी जा सकती है उसके बाद में। दोस्तों, इस वक्त में टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है और सारी दुनिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अलग अलग रीज़न है लोगों के, काफ़ी अच्छे फीचर इसके अंदर मौजूद होते हैं व्हाट्सएप के मुकाबले, तो लोग इसको PC के अंदर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो भैया देख के करना, ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, क्योंकि अगर आप अनऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई मालवेयर मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को अवेयर किया गया है कि भैया ऐसा मत करना, अनऑफिशियल या थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके मत डालना इसे अपने PC के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पर्पल फॉक्स नाम का कुछ रूट किट डाला गया है, जो कि कई सारे मॉलवेयर शायद इसके अंदर डाल देता होगा, जो कि कई सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है आपके PC के अंदर, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मे बी आपको स्पाई भी किया जा सकता है और आप
आपके पीसी के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी अगर काम की लगी तो हैकर निकाल भी सकता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।